नहीं सर, कैसे हुआ गिर के सर? सच में मेरा कंधा टूट जैसे लग रहा है, पता नहीं क्या भाई क्या हुआ है। आप शर्माते क्यों? वीडियो मैंने फैशन अच्छा कर रखा है ना मैंने। ये हमारे बॉडी बिल्डर गंजे भाई साहब, टोपी उतारो, ये देखो हमारे भाई लेते हुए अपने कपड़े। बस मेरे को तो ये भी सही लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक है। ये क्या बताया उन्होंने? अपने घर के पास आ चुके हैं और ये देख रहे हो, सारा सामान है, सारा सामान लगा रखा है इन लोगों ने। सो हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो व्लॉग में बने रहिए। और अभी तक जितने व्लॉगों में आप लोगों ने प्यार दिखाया है, इस व्लॉग में उतना प्यार दिखाइएगा, इनफैक्ट उससे ज़्यादा प्यार दिखाइएगा। तो अभी व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बट मैं तब भी आप लोगों को बता दूं, आज हम लोग जा रहे हैं यार अपने कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए। बिकॉज ऑफ क्योंकि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, सिस्टर के कपड़े भी आ चुके हैं और मैं उसको व्लॉग नहीं शूट कर पाया था, सम रीजंस थे, वो तो चलो बाद में हम बात करेंगे। लेकिन आज मैं अपने ब्रदर उधर के साथ जा रहा हूँ कपड़े लेने के लिए, और भाई की शेरवानी भी लेनी है। और मतलब इनफैक्ट आज आधी शादी की शॉपिंग जो रह गई थी हम लोगों की, लड़कों की, वो हो जाएगी पूरी। अच्छा, तो व्लॉग में बने रहना और देखते हैं यार कैसा रहता है आज का दिन। और ये दाढ़ी वाड़ी थोड़ी बड़ी हो गई है, बहुत अजीब सी लग रही होगी, तो इसके लिए थोड़ा सॉरी। मैं इसको इसलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि थोड़ा शादी वादी में अच्छे से सेट करवा सकूँ। थोड़ा बाल भी बढ़ रहे हैं अभी से, बाल को भी मुझे कटवाना है, सही से सेट करवाना है। तो कोई नहीं, ये सब चीज़ें तैयार करानी ज़रूरी है क्योंकि अच्छा भी दिखना है यार शादी में, ख़राब भी नहीं दिखना है। ये देखो बाल ना ड्राई बाल हैं पूरे। कोई नहीं, तो अभी बस निकल रहे हैं। मैं यार ठंड हो रही है तो मैं जैकेट ही पहन के जा रहा हूँ, और ज़्यादा नहीं, वैसे होगा तो ट्राउज़र ही पहनूंगा, वरना ज़्यादा ज़्यादा होगा तो मैं जींस डाल लूँगा। वैसे सोच रहा हूँ ट्राउज़र ही पहन के जाऊँ क्योंकि कंफर्टेबल रहते हैं बाइक पे। तो बस अब निकल रहे हैं, और मेरा एक फ्रेंड है जो मेरे पास में रहता है, वो भी मेरे साथ जा रहा है, तो निकलते हैं यहाँ से बिना देरी करते हुए। सो गाइस, फाइनली हम यहाँ शादरे वाले घर पे पहुँच गए हैं, और ये देखो भाई ने क्या करवा रखा है, क्या करा है भाई, इसने अपना हाथ तोड़ लिया, पता नहीं कल यही काट लेगा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, इसने पता नहीं क्या तोड़ लिया, कह रहा था जीने से गिर के टूट गया है हाथ। जो भी है, कल भाई गया था जीटीबी हॉस्पिटल लेकर, और भाई देखो ये अपना कुछ पर्सनल डिस्कशन करने में लगे हुए हैं कार्ड के ऊपर। ये देखो ये कार्ड भी आ गए हमारे सारे, मैं दिखा रहा हूँ। 2000 कार्ड थे यार, 100 कार्ड है, क्वांटिटी का खेल है ये तो। देखो मेरे भाई ये कार्ड वगैरह लोग आ गए हैं। और अरे भाई थोड़ा कम बोलोगे? नहीं, 2000 कार्ड इन्होंने दे नहीं है, केवल छपवाए। तो भाई अब हम लोग आ गए हैं, अभी मम्मी थोड़ा नाश्ता वाश्ता बना रही है, थोड़ा खा पी के अपना निकलते हैं कपड़े वपड़े लेने के लिए। और ये देखो भाई नया ड्रेस, भाई का नीचे अंडरवेयर, ऊपर भाई का ट्रैक सूट, ये नया ड्रेस है, माला पहन ला 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 माला पहन। सर सर बताइए ना, सर 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 कुछ बताइए ना। नहीं सर, कैसे हुआ सर? गिर के सर, सच में गिरे थे? मेरा कंधा टूट नहीं मैम, सर हाथ टूटा है, वो कंधा तो ये इसका बाहर तो कंधा है। सर बताओ ना, सर बता कुछ तो बता के अपने ऑडियंस को, कुछ तो बता दो सर। आपसे बहुत प्यार करते हैं, देखो आपने लास्ट ब्लॉग में क्या बोला था, मुझे कुछ गलत बोला था, देखो भगवान बहुत बहुत जल्दी करता है। अच्छा इस बार अच्छा बोल दो, वरना देखो फिर कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलूं, बताओ बताओ, कुछ मैसेज देना चाहते हो सोशल मैसेज? किसको? नहीं कह दो कि सब खुशहाल रहो, सब्सक्राइब वगैरह कुछ। तो देखो अभी तो यही बात है, तुमने मेरे को जो भी कहता ना अच्छा हो जाता है। अच्छा बोल, अभी कुछ सोशल मैसेज भेजना है आपको? सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी, बस हो गया। चलो ठीक है यार, इसका हाँ ठीक हो जाए बस। होप्सो भाई कल रात को गया था और अभी थोड़ा सा आराम है, तो अभी थोड़ी देर यार नाश्ता वाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। अरे भाई हमारा अंदर शर्मा रहा है, उसे भी दिखा दूँ। तो देखो भाई ये रहा हमारा दूसरा भाई, और ये देखो कहाँ दुख रहा है, जैसे लग रहा है पता नहीं क्या भाई क्या हुआ है। आप शर्माते क्यों? वीडियो मैंने फैशन अच्छा कर रखा है ना मैंने। अच्छा 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 अच्छा, कोई पसंद कर लेगा फैशन अच्छा कर। आपकी दाढ़ी नहीं आ रही सर, कब आएगी? देखो या तो आप पूरी कटवा लो, क्योंकि अभी ना पूरी आती है ना पता लगता है। ओहो, तुम्हें कुछ ज्यादा ही गोरा लग रहा है। ऐसी है भाई, गोरे ही लगते हैं, गोरे ही है। इतना तो गोरा हूं भी नहीं, गोरे हूं। बढ़िया, बस 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 ठीक है, चलो खाना पीना खाते फिर निकलते हैं। One hour later. So guys, अब निकल रहे हैं यहाँ से, और भाई लोग सारे अपने रेडी हो गए हैं, और अरे यार इसको बंद कर दो। तो अब निकल रहे हैं और पहुँचते हैं अपने डेस्टिनेशन पर। चलो भाई लोग, अब
बाल वाल बिल्कुल तुम नहीं जा रहे भाई साहब? आ जाओ भाई कैमरे में आ जाओ, अच्छे लग रहे हो। ये क्या भाई साहब, आधा आपने ट्रैक सूट पहना हुआ है आधा आपने वो पहना हुआ है जी? स्टाइल नहीं है, दूसरा कपड़ा गंदा रखा हुआ। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? सो गाइस आ चुके हैं हमारे राहुल भाई और भाई लोग सारे अंदर की साइड गए हुए। ये देखो शीश महल, और अभी चल रहे अंदर की साइड, बहुत ज्यादा भीड़ है। मैं आपको अंदर की साइड का व्यू दिखाता हूँ कैसा है। ये देखो अंदर की साइड बहुत ज्यादा क्राउड है। ये रहे हमारे भाई एक दुपट्टे, ये रहे भाई, और अभी हम फिलहाल कपड़े देख रहे हैं। ये रहे हमारे शर्मीले भाई, अरे फोटो मंगा लो ना भाई। ये हमारे बॉडी बिल्डर भाई साहब, टोपी उतार रहा हूँ। ये देखो ये भाई साहब गंजे इसलिए हुए हैं क्योंकि इनके भाई थोड़ा एक्सपायर हो गए। ये हमारे भाई लेते हुए अपने कपड़े, बच्चों के अपने। मेरे को तो ये भी सही लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक है। ये क्या बताया उन्होंने, क्या बताया उन्होंने, क्या रेंज बता रहे हैं? दो के ऊपर। सो गाइज अब भाई लोग भी अपना डिसाइड कर रहे हैं। ये भी ऑलमोस्ट ये भी हमने डिसाइड किया, मेरा भी सेम यही पैटर्न है। और ये लोग अपना मस्त डिसाइड करके खड़े हैं। भाई क्या हुआ, कुछ पसंद आया? हाँ क्या पसंद आया? क्या पसंद आया? ये देखो। अच्छा ये तो मैंने दिखा दिया सर। सर 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 भाई कुछ पसंद आया? ये पसंद आया। अरे भैया ये कितने कितने का मैक्सिमम? 1 hour later। तो गाइस वहाँ से शॉप से आ चुके हैं, बट वहाँ पे यार थोड़ा समझ में नहीं आया कपड़ों का, और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रखा है पीछे की साइड, तो ज़्यादा मैं बात भी नहीं करूँगा। अभी हम जा रहे हैं दूसरी शॉप पे, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। सो गाइज हम लोगों ने ऑलमोस्ट पसंद कर लिया है, और हम लोग कपड़े मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पीछे के साइड। ये रहे लाइन से लगे पड़े हैं, और भाई देखो अपना पसंद करने में लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा थक गया था मैंने, इसलिए वीडियो शूट ही नहीं करी। बिल्कुल देख सकते हो कितनी थकान हो रही है। और ये देखो भाई अपना पसंद, व्हाइट सेट्स, व्हाइट तक नॉर्मल हो गई, पिंक वगैरह बिल्कुल थकान हो रही है, वीडियो ज़्यादा शूट ही नहीं हो पाई है। सो गाइज अब राहुल भी अपना फैब्रिक पसंद करने में लगा हुआ, अंकल उसे पसंद करवा रहे हैं। आयुष हटियो, क्या हुआ राहुल भाई? फैब्रिक ले ले, नीले वाला सही है, तो नीला दिमाग लगा रहे। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? ये रख ले, तेरा सही आया। ये देखो लड़ने में अपना लगे पड़े हैं। तेरा सही आया, इनर भी पहना है ना? अच्छा इसे निकाल पा। हाँ सही आएगा, उतार के पहन तो सही। वो वाला वाइट कह रहा हूँ कि ये वाला इसे उतार के पहन, दोनों पहन के देख लो। ये देखो नंगा हो रहा है हमारा भाई, वो टी शर्ट के ऊपर पहना जाता है। भैया मन साहब क्या हुआ, फैब्रिक हो गया फाइनल तेरा? हाँ। सो गाइस अपने घर के पास आ चुके हैं, और ये देख रहे हो इतना सारा सामान है। मैंने ज़्यादा वहाँ पर शूट नहीं किया, बहुत ज़्यादा थक गया था मैं, और भाई वगैरह हो रहे आगे, तो चल रहे हैं आगे आगे धीरे धीरे। इतना सारा सामान लगा रखा है इन लोगों ने। सो गाइज जस्ट अभी हम लोग घर पे पहुँचे हैं, और मैंने ज़्यादा वहाँ शूट नहीं करा, आप लोगों ने जैसे देखा होगा। और ये रहा सारा सामान, और बाकी सामान ये रहा। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यार, देख सकते हो 7 बज रहा है। तो बस अब यहाँ से जल्दी जल्दी निकलते हैं घर के लिए, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। मम्मी की बार बार कॉलें भी आ रही हैं, और हम अपने भाई के लिए भी कपड़े ले आए, ओम के लिए आए हैं भाई। ओम के लिए भी आ चुका है हमारे, ये भाई नहीं जा पाए, ये एब्सेंट थे वहाँ पर, लेकिन हम सुनते तब भी। तो अभी जल्दी जल्दी देखो मैं पाए जो भी है ना यार, वीडियो आगे दिखाऊंगा कैसा था कपड़ा, जो भी अब आगे तुमने देख लिया होगा ब्लॉग में थोड़ा बहुत, पहन के मैं बाद में दिखाऊंगा नेक्स्ट किसी ब्लॉग में देखा। बड़ा थक गया हूँ, निकलते हैं तो बस 10 मिनट रुकते हैं फिर निकलते हैं। सो गाइस उस दिन मैं घर पर आ गया था, और आने के बाद मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई वीडियो शूट करने की, और उसके बाद मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पता नहीं शायद ठंड वगैरह लग गई थी या क्या था पता नहीं, तो मैं शूट ही नहीं कर पाया बिकॉज बहुत टाइम से वीडियो भी नहीं आ रही है, और मैंने वीडियो एडिट भी नहीं करी थी। तो अभी मैं ये शूट लास्ट में बना रहा हूँ बिल्कुल, जिसमें मैं पूरी दाढ़ी वाड़ी सब कुछ सेट करवा ली है, तो सॉरी यार उसके लिए, और वीडियो भी इतनी लेट आ रही है उसके लिए भी सॉरी। तो अभी तक हमने जितना भी शूट वगैरह किया था, आपने वीडियो अगर देखी होगी आपको पसंद आई होगी, और मेरी दाढ़ी वाड़ी सेट होकर कैसा लग रहा हूँ मैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो थैंक यू सो मच अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, और आगे भी मेरी ब्लॉग्स को देखा करो,
और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी किया करो। सोच रहा हूँ यार अगर आप लोग को ये लुक मेरा पसंद आता है तो वीडियो में कमेंट करना, मैं नेक्स्ट टाइम से यही लुक रखूँगा अपना, वरना मैं अभी तक तो बिना बीएड के रहता था। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों को ये लुक पसंद आता तो नेक्स्ट टाइम से मैं अपना इसी लुक में रहूँगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं करनी है। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करा करो, चैनल को सब्सक्राइब करा करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। बाय, गुड नाइट।